गाइस आज फाइनली इस बारबेक्यू को यूज़ करने का मौका मिल रहा है और क्वालिटी से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। एक तो बहुत पतला तो ये था ही, पहली बार यूज़ करते ही आप देख सकते हैं पेंट नीचे से निकलने लगा है इसका। रैक अच्छा है, रैक ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, बट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फ्लिमजी है। तो देखते हैं ओवरऑल कैसा बनता है हमारा चिकन और फिर आपको अपडेट देते हैं। एक फीडबैक मेरा ये होगा कि ऐसे अगर आप फुली लोड कर दें इसको तो ये बीच में से जाली बहुत झुक जा रही है साइड के मुकाबले। सो कितनी ड्यूरेबल रहेगी, कितना टाइम चलेगी नहीं बता सकता, बट पक तो गया। हमने करीब 3 किलो पकाया है, पक गया है पूरे में अच्छे से। मैंने कोयले फैला दिए हैं, अब बस लास्ट में सारा का सारा एक साथ हीट अप कर रहे हैं हम खाने से पहले। पक तो गया है ये, अभी मैंने थोड़ी सी ऊपर कर दी आप लोगों को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं बीच में से सैगिंग हो रही है इसकी। ऐसे लोड होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल है इसको ऊपर नीचे करना, बट हाँ अगर आपने थोड़ा सा ही पीसेज आप एक साथ पका रहे हो तब आप अच्छे से इसमें पका सकते हैं। और ओवरऑल अच्छा हुआ है, नॉट दैट पकाने में कुछ कमी रही या कुछ, बट क्वालिटी वाइज आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी बेटर, वो नहीं है। सो दोस्तों बनने में तो अच्छा आया है, टेस्ट भी हमने करके देखा। टेस्ट तो ऑब्वियसली आपके मैरिनेशन पे डिपेंड करता है, बट आप पका सकते हैं इसमें और अच्छा ही आ रहा है। सो ओवरऑल आई एम हैप्पी, लेकिन मटेरियल क्वालिटी से मैं थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड हूँ। जैसा मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, पेंट चिप ऑफ हो रहा है, अदरवाइज़ अच्छा है। हाइट एडजस्ट करना ईजी है, मेरे को लगा था शायद जब ऊपर चिकन लोडेड होगा तो इसकी हाइट बार बार एडजस्ट करना मुश्किल होगा, बट अच्छे से हो पाया। सो ओवरऑल ठीक है, बट प्रोडक्ट क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर, यही बोलूँगा। सो थैंक यू रिव्यू देखने के लिए, ज़रूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।